वड्डी खबर सामने आ रही है। दस दई इस वक्त की वड्डी खबर सामने आ रही है, पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों में छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने। पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों में छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने, सारे सरकारी स्कूलों में छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने। 26 अगस्त तक सारे स्कूलों में छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों में छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने, 26 अगस्त तक सारे स्कूलों में छुट्टियां होणगियां। दस दईए 26 अगस्त तक सारे सरकारी स्कूलों में छुट्टियां होणगियां। इस तों पहलां वेख्या गया सी कि सरहदी खेतरां विच हड़ां कारण 26 अगस्त तक छुट्टियां दा ऐलान किया गया सी, पर हुण पंजाब दे सारे सरकारी स्कूलों में छुट्टियां दा ऐलान कर दिता गया है। मौसम विभाग वालों इस नूं लेके जो है अलर्ट जारी किया गया, 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਹਿਲ ਨਰੂਲਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। और बिल्कुल जिस तरीके बारिश का माहौल बनया होया नीलम, उसके कारण जो हम पंजाब के जो स्कूल ने उन्होंने 26 अगस्त तक छुट्टियां का ऐलान जोड़ा वो कर दिया गया, क्योंकि लगातार जी बारिश चलती पी है उसके कारण कि ना कि जोड़ा है कहा जा सकता है कि भारी बारिश या जिस 23 अगस्त तो लैके 26 अगस्त तक हम जो सरकारी स्कूल हो जो बंद रहेंगे जी। साहिल, फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिनों विच पंजाब विच भारी मीह पैण की संभावना जताई जा रही है, इस कारण सरकारी स्कूलों विच छुट्टियां दा ऐलान किया गया। भारी मीह करके पंजाब दे स्कूलों विच छुट्टियां दा ऐलान किया गया, पंजाब दे सारे सरकारी स्कूलों विच छुट्टियां दा ऐलान कर दिता गया।